मेरे लिए भी ताली वाली बजा बचाओ। आनंद की इस यात्रा को शुरू करते हैं, पहले कवि को आपको इस मुकाम पर आमंत्रित करते हैं, हंसी ठाकुर जी आदरणीय धर्मेंद्र सोनी जी। चीजें बहुत बदली है, पिछला लगातार लोग आते जा रहे हैं, पिछला 15-20 साल में छोटा भाई 18-20 साल आ रही है, नई पीढ़ी है, आप पढ़ाई में तो आगे बढ़ी है, पीएमटी पीईटी एमबीए, पर कड़े न कड़े आप बुजुर्गा का मान सम्मान में कमी आई है, आपको जो जिको आप की नजरा को डर रखता भी में कमी आई है। वह मेरे याद आवा दाता रामगढ़ बस स्टैंड पर एक बस रुकी, बस लगभग बरेड़ी, बस में दो सवारी चढ़ी, एक तो एक 17 साल की ताई चढ़ी, पीछे की पीछे एक 21 साल की बाई चढ़ी। ताई जी की भी सीट के नजदीक जाए पहले से सीट पर बैठेड़ी सवारी और पसर जाए, आपको थेलो रख ले बैग रख ले ना माजी अड़े कोई आशी। ताई बिचारी पूरी बस में घूमेई पर कोई सीट देवान तैयार नहीं, ताई अंत में दुखी और केबिन में जार बोनट पर बैठ गई, पीछे की पीछे 21 साल की बाई चढ़ी। बाई जी की भी सीट के नजदीक जाए पहले से बैठेड़ी सवारी और बेड़ी बेड़ी सिकुड़ जाए, मन में प्रार्थना करे हे राम जी अठे ही बैठा दियो। बाई ने सब सीट देवान तैयार, बाई बैठ तो जीबी का संस्कार उमड़िया कि ताई गर्म बोनट पर बैठी अभी ने बैठानो चाहिए। बाई बोली माजी मैं तो खड़ी हो जैसू आप बैठ जाओ, पर अपना बुजुर्गा को स्वाभिमान। ताई बोली ना ना तू ही बैठ, दो पंक्तियों में एक सार्थक संदेश भरपूर ठाके के साथ आप तक पहुंच जाए तो आपकी तालियां धर्मेंद्र सोनी जी को बुलाए, इस उत्सव को महोत्सव मनाए। ताई बोली ना ना तू ही बैठ, ये 10-15 साल या सीटा को ठिकानो है, फिर तो तन्ने भी बोनट पे ही आनो है। जिंदगी की इस भागदौड़ में माता पिता गुरु और बुजुर्गों का सम्मान ना भूले, सामाजिक रूप से आवश्यक। और बड़ी पीड़ा की बात हमारे बीच कन्या भ्रूण हत्या पर की जो वेदना है उसको अपने शब्दों में बयां किया, बेटियों के संरक्षण की बात की। कहीं डॉक्टर सुनील जोजी लिखते हैं कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, और उस घर का आंगन हरदम सूना सूना रहता है जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। उन संवेदनाओं को हम प्रणाम करते हैं। अगर इनका काव्य पाठ अद्भुत लगा हो तो फिर रेनवाल अपने मेहमान को जोरदार तालियों से बताए, आदरणीय धर्मेंद्र जी तक आपकी तालियां पहुंचे। अब इस मुकाम पर जैसा जी रेनवाल क्लब के सदस्य भाई जितेंद्र जी और तमाम लोग बार बार कह रहे हैं कि हम यहाँ देशभक्ति बहुत मन से सुनते हैं और सर्वाधिक हम वीररस की कविताओं के लिए उत्साहित और प्रेमी रहते हैं, आप वीररस के लिए इतने उत्साहित रहते हैं तो हमारे पास भी वीररस के उमेश उत्साही जी हैं, इस आनंद के पलों को हम जीते हैं। चार पंक्तियां उन तमाम सैनिकों के श्री चरणों में पढ़ता हूं, उन्हें आमंत्रित करता हूं। बचपन में शिक्षा आदर्श विद्या मंदिर में हुई, नमस्ते सदा वत्सले के भाव जिए, वहां बरामदे में किसी बड़े कवि की चार पंक्तियां लिखी हुई थी, रोज आते जाते बार बार पढ़ने से वो बाल मन पर अंकित हो गई। वो चार पंक्तियां पढ़कर वीररस के बड़े कवि उमेश उत्साही जी को आवाज देता हूं। वहां लिखा था कि वो खून भला किस काम का है, वो खून चौथी पंक्ति पर आपकी देशभक्ति मुखरी तो बताइएगा कि वो खून भला किस काम का है जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो जान भला किस काम की है जो आ सके वतन के काम नहीं, सार शहीदों की शहादत का शेष रहना चाहिए, और हम रहे या ना रहे ये देश रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। मारवाड़ी जाने ही को नहीं, बाप की दोराणी ने आपके मोटियार की बड़ाई करी, बोली देवरानी तुझे पता है मेरे हब्बी है ना वो तो देवता है। दोराणी बापड़ी क्यों ही को नहीं बोली, बा उजू तली बोली देवरानी तू समझी मेरे पति तो देवता है। बा बोली भाभी जी थारा होशी मारा तो जीवता है, बासा को फर्क आपने देवता पितर जी ने कहे, मोटियार को क्या कहो देवता, बापड़ा का जचजत माचना ले लिए, जिका आनंद अपनी माटी में बिखरिया पड़े। भाषा जी बड़ी मस्त है, मैं अढ़े आपने दाता आयो बार चार एक मना पहली तीन मना पहली विवेक का ब्याह में, आज मैं आयो जना वो मन बढ़े सरकारी हॉस्पिटल कने गाड़ी में मिल गो, आप स्टेयरिंग सीट पर बैठे हो कन्ने घराली बैठी, मैं खेरे विवेक कमाल ही कर दिया, ब्याह के तीन मना में ही बीननी हॉस्पिटल। वो बोलियो भाई जी बीननी का नहीं हाथ कर, बोलियो बोलियो भाई जी के बताऊ माता निकले,
मैं हाथ जोड़ खो मैं भया आप आपका तकदीर है लियो तो लुगाई हो माता की निकले ही। भाषा की जो मस्तियां हैं जो आनंद है बा सारा भावना आप जो एक नई बात और बताऊं मैं भाई मोदी जी की एक बात याद दिला दी बार बीस एक दिन पहले आदरणीय अतिथि मोदी संसद की लाइव कार्यवाही आवे टीवी पर जहां मैं घरा देख रहे हो जना मोदी जी आपका उद्बोधन में प्रियंका गांधी ने प्रियंका बेटी कह दियो प्रियंका बेटी को सूचित करता हूं प्रियंका जी ऑब्जेक्शन करो मुझे बेटी मत कहिए मुझे मेरे नाम से बुलाइए। सोनिया गांधी जी भी ऑब्जेक्शन करवा के लिए कुर्सी से खड़े ही हो वाला क्या कि मोदी जी ने कोई एक लाइन कही वह वापस बैठेगा वह लाइन तो मैंने टीवी में को नहीं सुनाई वह अगला पर मैं अंदाज करो यार अब तो जल्दी है सर तो आपकी लोकल भाषा कोई हुए तो वह गुजराती में ही क्यों खयो सी अगर मैं सही कल्पना कर ली हूं तो फिर एक बार आपको सारे सदन की ताड़िया पूछे मोदी जी सोनिया जी ने के खयो सी वह खयो सी सोनू तन्ने मारे पर भरोसा नहीं के जो मस्तिया आनंद आपने बिखरियो पड़ियो है भी सारा भावना आपा प्रणाम करा और आनंद का पलाना आगे बढ़ावा आनंद तो कण कण में तो बिखरियो पड़ियो है। इस सृष्टि का सारी दृष्टि में आनंद कोई चमत्कार है और हाँ माता बहना ने अठिन बैठा दी बना गया आबा जाबा गोरस तो ही राख्यो है। अब चाची जी आपकी बूने ले रहा होगा जी चाल देख बहुत बढ़िया आयो है कवि अब कम तन करी हम जाए दो तीन जाए है फिर पाछा लिया करे जो आनंद का मेला है सारी मस्तियां बहुत बढ़िया लाग रही है सारो सदन बेटा तू थोड़ा सा अपक सामटर बैठ यार आनी यहाँ बेड़ा गया इसके फीलिंग गड़बड़ा हुआ है इसे उमेश भाई की फीलिंग गड़बड़ा जी आना आई लाजो जी तू जिले इलाई बादशाह शहनशाह बाहुबली हो रही है सलीम हो रही है ए तेरी अनारकली हो रहा है जिकी मस्तियां आपने बिखरी पड़ी है। कवि सम्मेलन की बहुत सारी बात आपा करेंगे आपा एक और है मन की बात मैं आपने बताऊं राजकुमार जी बादल ने बुलाऊं मारवाड़ी भाषा का राजस्थानी का बे कवि संवेदना का बे चितेरा मेरी कुछ बात आपने बीच में निवेदन कर दू आपा जिका भी लोग कवि सम्मेलन में आज अड़े मौजूद हाँ आपा जिका इट दौर का लोग हाँ केसर जी भाई साहब आपा सृष्टि का सबसे तकदीर आरा लोग हाँ आपा बे लोग हाँ दौर में 2017 में आपा जिका लोग आपा लोग आती लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी देख रहा हाँ 2G 3G 4G मेल ग्लोबल वर्ल्ड आपा पुराना संस्कार भी जी रहा हाँ 20-30-40 साल पड़ लिया तक जिका लोग सल्टगा ब केवल संस्कार देख रही सल्टगा टेक्नोलॉजी ब देखी को नहीं मोबाइल रिमोट बाने पता ही को नहीं हो के क्या हुआ है हाँ अब तो गुदड़ा में पड़िया पड़िया रिजाई में बैठे बैठे भी मैसेज खटी सारस्वती माने को नहीं बेरो पटे की हो रहा है 30-40 साल पछे जी पीढ़ी आवेगी बा केवल टेक्नोलॉजी देखेगी बिना संस्कार को पतो नहीं रहेगो आपा बे अच्छा लोग हाँ अपनो धर्म बने हैं कि अच्छा संस्कार है बे भी आपा अगली पीढ़ी तक ले जावा जी की अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है जीवन ने सरल बना रही है बा भी आपा अगली पीढ़ी ने सौंपा पर टेक्नोलॉजी ने समझनो ढंग से चाहे भाई मारा मामू जी है काको जी बे गाँव में रह बड़े बिदासर में जना बे बता रहा बोले यार अब के गर्मिया की बात मई के मना की मैं रात ने 9 बजे दुकान मंगल कर रहे हो छात पर रोटी खा रही हो तेरी चाची हवा गा लई काकी ब मैंने बूझो बोली जी आ उपग्रह क्यों हुए है अब बोलियो मैं खुद 8वीं फेल बिना उपग्रह के समझाऊ मैं बोलियो तन्ना उपग्रह के लेन देन है बोली जी आज मैं तो दोपहरी में भी दूरदर्शन में नाटक ही कौन देख सकी यहाँ लिखियो आयो उपग्रह से संकेत नहीं मिलने के कारण रुकावट के लिए खेद है मैं भी के समझाऊ मैं भी समझायो उपग्रह 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 यानी सैटेलाइट बा बोली जी तो सैटेलाइट क्यों है मैं बोलियो सैटेलाइट सैटेलाइट एक खूब बड़ी सारी मशीन जिकी ऊपर आसमान में लाजी रहे बा ऊपर ही घूमती रहे बा ऊपर से ही नीचे की फोटो खींच ले और डायरेक्ट टेलीविजन में भेज दे आ सुनता ही चाची सुननी होगी बेहोश होगी मैं भी कह पानी का छांटा दिया जहां 5 मिनट पछ हो सयोजना बोली रोती रोती बोली जी मैं तो अंगूठा छाप ही पर थे तो समझदार होता सोता भी जीव के कर लियो फंद सैटेलाइट ऊपर डायरेक्ट फोटो टेलीविजन में बोली मैं तो अनपढ़ ही पण थे तो समझदार होता सोता भी जीव के कर लियो फंद आज तक को तो राम रुखाड़ो आज से ही छात पर सोनो बंद टेक्नोलॉजी भी सही समझानी है मैं बता रही हूं कोती को वह चीजा बहुत बदल गई अब क्या मैं गणगौर आ रहे दिन खड़े कवि सम्मेलन कर सुबह 6 बजे ही आ रही हो राजकुमार जी राजस्थानी का बेजोड़ गीतकार
जना भाई बाया डूब लिया ना लोटा में से सही लिया गणगौर पूजबारी जना भाई पहला गीत गाया करती गौर ए गणगौर माता खोले की वाड़ी बार उबी थारी सारी पूजन आली माँ गौरी से माँ पार्वती से सुहाग मांगती कि माँ मैं आई हाथ इधर उचो खोलो और माने सुहाग को आशीर्वाद दियो गौर ए गणगौर माता खोले की वाड़ी अब तो गीत ही बदलगा मैं भी दिन सुनियो बाया गीत गारी मैं लिख लिख भेजू टमाटर पे आप आओगे कौन से क्वार्टर में चीजा ही बदल जना मेरे समझ में आयोरा टमाटर 80 रुपया किलो ही चक्कर में हो रही है भाया बंडा लगी आप तो चीजा बहुत बदल रही है। माटी का वैदेशी राजस्थानी हास्य कवि जी का देश और विदेश में जावे है और आ सबना आप आनंद के साथ सुना हरिओम जी के सम्मान में तो बहुत सारी बातें कही जा सके है मस्त्या की अति अद्भुत है अपनी मायड़ भाषा की बोली की मस्त्या अति विशेष है और वो मेरे याद आवे दाता बस स्टैंड पर ही एक जनो अपना आदमी की कलाकारी क्यों हुए वो अठे रामगढ़ बस स्टैंड पर ही एक जनो बकरी लेर बस में चढ़ियो कंडक्टर बोलो ने नीचे उतार बोलो क्यों बाड़ो देशिया बोलो ना मैं बस में कौन बैठाऊंगा गंदगी करते जनार नीचे उतर गो अपना आपनो आदमी दबे नहीं नीचे उतरे उतरे अभी कंडक्टर से लड़ाई पजाई कर रहे हैं बोलो आज तो अड़ीमा हाँ जना तू अति बात कर रही है कदे एकला वादना बतलार देख वो बोलो आज की अड़ी है बोलो आज तो तेरे केबुंडे लागा सागा लेडी सवारी रहेगी है की बात को नहीं 15 ही मिनट में भी बकरी ने बुरखो भरा ले दूसरी बस में गलबाला जो बुरखो पेरेडी बकरी देख रहे वो कंडक्टर चक्रे और बोले ओके फेताल है बोले फेताल क्या गोरा तो दादी है दादी बापड़ी की बुढ़ापा में कमर बिल्कुल ही झुक गिर मेरे बैठा बैठा माजिनी सीट पर बैठा बैठा ये बाबकरी तो 15 ही मिनट ना आपको प्राकृतिक उपक्रम चालू कर दी वो कंडक्टर आयो बोले भैया दादी को क्यों तो ध्यान राख बापड़े की रुद्राक्ष सारी माला टूट गई दिखी जो मस्तियां अपनी माटी में बिखरी पड़ी है भी कलाकारी ने भी भावना आपा प्रणाम करा हाजिर जवाबी मैं एक और था मेरी जी की विशुद्ध मैं सोचो मेरा क्रम में सुनाऊंगा पर मैं बीच बीच में ही सुना दू थाने अति मस्तियां है राजस्थान में तो वो मेरे याद आवे वो अपने खूड का ही ओंकार जी ताऊ जी 80 साल का बूढ़ा ताऊ जी कब खांसी होगी टीबी होगी बड़े सांवली बरती रात ने खांसी को लोर उठ गो ताऊ जी सोचा रहे जिग उठसी ध्यान ने और कठिन टाड़ो बिसारला बेड पर जिको मरीज भी कसागे गराली ताऊ जी सोचा ही बाई से ही बतलाओ बे बिना बुझियो बोलो बाई तू कौन सा गाँव ब्याई बा बोली ताऊ अम्मा थाने की जा बताऊ मेरो ब्याह हो चोमू ब छह महीना में ही चल बसिया फेर मेरो संबंध हो पिपराली ब चार मना पकड़िया फेर मेरो संबंध हो उडील ब ढाई मना निकालिया लेर के मने ही रामगढ़ हो रात ने भी ओड़ जगाब जाऊ जाऊ हो रहा अत्याण ताऊ जी भी खांसी मोड़ो जगा बोले ए भाई भाई दो चूड़ी मारे ही नाम की फेर लेके आ मारी गति हो जाए जो मस्त्या अपनी माटी में बिखरी पड़ी है मरतो मरतो आदमी भी आनंद में जीवे बा सारा भावा ना आपा जीवा भाई हरिओम पारिक जी ने राजस्थानी की मस्त्या के लिए आपा आमंत्रित करा आ कभी मुकाम और केसर जी भी आपने बीच आई सी मीनू शर्मा जी का प्रेम का गीत गजल भी आपा सुन सिया माता बहना बैठी है बाने सुनबा के लिए और दोनों ही एक की बात है आपने बीच पहला था रोमन है केसर जी ने बुलावा तो बाने बुला दिया केसर देव जी कोई परिचय का मोहताज नहीं लाफ इंडिया लाफ का बहिष्कार लाफ इंडिया लाफ का रनर अप रिया अपने बीच और मीनू शर्मा जी ने सुन बाता ही है कई भाई बैठा है और बदे को हंस रहा है कुंवारा छाना रहे को नहीं आज ही पीड़ा अलग है उधारी बैठे नहीं पिलर के ने आना आता ही है माने अड़े मिलिया दोनों भाई जी चश्मो जोर को लिया बोलो नहीं ही लगवायो हाँ तो मैं यहाँ सेट हो गो जे कोई दिक्कत तो को नहीं बोले यारो चश्मो तो सेट हो गो पर मैं अब सेट होगा मैं क्यों हो बोले चश्मा सा उम्र थोड़ी बड़ी बड़ी लागे बाया मारकान तो देखे ही को नहीं मजी तो उतार दियो बोले फिर माने कौन दिखे पीड़ा बहुत है देश में संकट बहुत है मैं बार परसो अहमदाबाद जा रहा जो भी ट्रेन से आया जना मारा ऊपर की सीट पर कोई बूढ़ो ताऊ सुत्यो बूढ़ा ताऊ जी कोई यहाँ सपारी सूट पेरेडार 2-5 मिनट वैर ब उतरेर
कदे बा को गोडो बिड़ जाए मारे, कदे अंधेरा में पक्की लाग जाए, बाथरूम का नहीं जावे, ओजू 5-7 मिनट ने पाछा आवे, ऊपर चढ़े, ओजू 5 मिनट ने उतरे, ओजू जाए, या 8-7 चक्कर काट लिया ना है। ओम जी बोले, रहा बोले ताऊ तेरा चैन को नहीं के, बोले चैन तो है पर खुल रही को नहीं। पीड़ा बहुत है देश की, समझा के हो वह के है, बहुत सारी बात है। तो आनंद का पला नहीं मुकाम पर जीवा, मीनू शर्मा जी कोटा सा अपने बीच आया है, आका खुला बाल थे। देखो मैं तो गांव को आदमी नवलगढ़ को, पहले मने यह पतो ही को नहीं हो गया खुला बाल ए सौंदर्य हो गए। मैं तो धीरे धीरे जाबा आबा लाजियो जना पतो चालियो क्या ना, उर्दू में तो अलकेक है, हिंदी में जुल्फेक है, मारे दादी तो आज ही कौन समझे। यहाँ शनिवार को दिन हो रात ने खुला बाल करेड़ी भाई आ जाए, दादी खट जीवा का दाड़ा लिया हुआ का भाई में माता जी आवेगी, भाई माता चाहिए ए अलके हैं, ए ए एक और है मारवाड़ी कम समझा जी को चाहिए जी सरकाओ आप। ओ बड़ो आराम है भाषा को, बड़ो आराम है, मस्तिया का सारा पल है। 4 पंक्तियां इनके सम्मान में प्यार की पढ़कर इन्हें आमंत्रित करता हूं। प्रेम बहुत अद्भुत चीज है, प्रेम तो अति अद्भुत है। के एक और है बूढ़ा मायत बैठे ना अपने साफा आर बादल भैया के लिए गीत पढ़िया, लोग आखे का अपना बूढ़ा मायत अपना बड़का धार्मिक धार्मिक दुर्मुख क्यों ही कुनिया मतलब अपना बूढ़िया अपना मायत बहुत रसिया हा। ई बात को ओ सबूत है कि बे अत्ता रसिया हा जना ही आपा अत्ता हा, सब सब भरपूर आनंद लिया चीजा को मायता के तो विशेष फर्क पड़े। मैं तुम बताऊं बे बड़े मारे नौलगढ़ का ही राम उतार जी ताऊ जी, जिंदगी में कदे कोई बड़ा शहर जाबा को काम ही को नहीं पड़ियो। अब के सूरत में बा को बेटो मकान बनायो जना ताऊ जी 17 साल का राम उतार जी ताऊ जी, बा के घराली 65 साल नेड़ी बा पताशी ताई, दोनों पहली बार सूरत गया और जो भी सूरत रेलवे स्टेशन से बाहर निकलिया ना भाई एक शेरावत शेरावत हीरोइन है ना, ओहो भाई जीके बहुत जोरदार है भाई थर भी मल्लिका शेरावत को अपड़ो बैनर जत्तो बड़ो होर्डिंग लाग रियो। अब्बा गांव की नौलगढ़ की राजस्थान की संस्कारी लुकताई बिका लखन देख ताई ने गुस्सा आगो, बा ताऊ जी ने बोली आपका पति ने बोली रामोतार का बापुआ लुगाई कुआवे है, इकी शर्म बागी है कि यहाँ का कपड़ा पेरिया है, फोटो खिंचवाई है, अठे बरिया बजारा में मोटियारा में लगवाई है, राम उतार का बापू थारी सोगंजे, मैं तो इसी दिखूंक तो गरा के बारे भी नहीं निकलू। ताऊ जी भी गर्दन हलाता बा फोटो देखी, बोलिया राम उतार की माँ तेरी सोगंजे, जे तो इसी दिखे तो मैं भी गरा के बारे ही नहीं। फर्क तो सके पड़ा चीजों का, उन मस्तियों को आनंद को हम जीते हैं। 4 पंक्तियां इनके सम्मान में, 4थी पंक्ति आप कितना स्नेह करते हैं प्रेम करते हैं, आपकी तालियां थोड़ी सी कम है, कवियों को ताली की ही एक आदत होती है। नहीं एडवांस में मत बजाओ, ए चमचागिरी का लक्षण है। 4 पंक्ति पछते मैंने बुलाओ मीनू सिन्हा, 4 पंक्तियां इनके सम्मान में पढ़ता हूं। देखो भाई आगा आगा ना ने पतो है कि टाइम में आगा आना चाहिए, ओ देश को भविष्य है अपना। थे भी सरके या ताऊ जी सरके या बलाल सा फारा मंत्र सारा सहज भाव ने प्रणाम करा कि चंचल अलके लता सरी थी तन तरुवर पर छाई है, चंचल अलके लता सरी की तन तरवर पर छाई है, झील सी गहरी आंखों में सागर सी गहराई है, स्वर क्या है इनका जैसे गूंज उठी सहनाई है, सौभाग्य हमारा मीनू शर्मा जी आज रेनवाल आई है। जोरदार तालियों के साथ आई।